जयमाल पहनाने जा रहा था दूल्हा, बीच में प्रेमी ने आकर भर दी दुल्हन की मांग। ये वीडियो तो आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी जो काफी तेजी से वायरल हो रही है। हालांकि ये वीडियो कहां की है, इस वीडियो की सत्यता क्या है, ये हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर अचानक शादी के मंडप में जयमाला के समय स्टेज पर चढ़कर प्रेमी ने दूल्हे के सामने अपनी प्रेमिका दुल्हन की मांग में सिंदूर भर दिया। वहीं इस नज़ारे को दूल्हा देखता ही रह गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर अचानक शादी के मंडप में जयमाला के समय स्टेज पर चढ़कर प्रेमी ने दूल्हे के सामने अपनी प्रेमिका दुल्हन की मांग में सिंदूर भर दिया। इस नज़ारे को दूल्हा देखता रह गया। यह देखकर शादी में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने परिजनों से समझा बुझा कर मामले को शांत कराया। यह मामला हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र का है। शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन जब स्टेज पर जयमाल की रस्में निभाने के लिए तैयार थे, तभी दुल्हन का आशिक स्टेज पर चढ़ा और उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। इस घटना के बाद माहौल जो है वहां तनावपूर्ण हो गया। लड़की पक्ष ने तुरंत डायल 112 पर फोन कर शिकायत की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तब कहीं जाकर देर रात तक यह मामला सुलझ सका। वहीं गुरुवार सुबह पंचायत के बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को विदा कर घर ले चला गया। पुलिस को देखते ही प्रेमी की प्रेम का बुखार उतर गया और चुपचाप अपने वहां घर चला गया। यह शादी पूरे इलाके में अब चर्चा का विषय बनी हुई है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने इस मामले को संभाला और सुबह के समय दूल्हे और दुल्हन को विदाई की। इस मामले में आरोपी प्रेमी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गांव वालों का कहना है कि अब इस मामले को ज्यादा तुल देना ठीक नहीं होगा। तो एक बार फिर बता दें कि वरमाला पहनाने से पहले ही दूल्हे के साथ बड़ा हादसा हो गया।